सत्ताई हेल्थ केयर चैनल में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो भी नुस्खे अत्तारी हेल्थ केयर चैनल में अत्तारी दवाखाने से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर इनसे आपको फायदा भी पहुंच रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैतून के तेल की फवायद के बारे में, इससे क्या क्या फायदे हैं और किस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे शरीर को क्या क्या फायदे पहुंचाता है। फ्रेंड्स, आखिर तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अत्तारी हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी बजाएं, लाइक और शेयर भी करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक उसके पहुंचे, वो भी इनसे फायदे हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, जैतून का एक ऐसा दरख्त है जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर भी आया है और जैतून का जो फल होता है, जैतून के फल से ही जैतून का तेल को तेल निकाला जाता है और जैतून की जो लकड़ी होती है इससे मिसवाक की जाती है। ठीक है, दांतों के लिए बहुत ही शानदार चीज है। जैतून की मिसवाक से दांतों के अंदर जो दांतों में दर्द वगैरह और कीड़े मकीड़े वगैरह लग जाते हैं, जैतून की मिसवाक करने से दांतों की तमाम परेशानियां मुंह के अंदर जो होती हैं ये सारी खत्म हो जाती हैं। जैतून के तेल तो ओरिजिनल खैर अरब ममालिक के अंदर ही मिलता है, अपने इंडिया के अंदर यहाँ इसके अंदर मिलावट का बहुत ही ज्यादा धांधलेबाजी होती है, मिलावट का ज्यादा मामला रहते हैं। अरब ममालिक के अंदर बिल्कुल प्योर जो है जैतून का तेल मिलता है। अरब ममालिक के अंदर देसी घी की जगह पर लोग जैतून को इस्तेमाल करते हैं। जैतून का तेल जो है ये मुलयन है, दिमाग को ताकत देता है, दिल को भी ताकत देता है और इसको इस्तेमाल एक गिलास दूध के अंदर, एक गिलास दूध में एक चम्मच जैतून का तेल डालकर दिन में किसी भी वक्त एक बार लिया जाए तो आंतों का जो अल्सर है, आंतों का अल्सर यानी आंतों के अंदर जो जख्म वगैरह हो जाते हैं, ये आंतों के अल्सर को, किसी भी प्रकार का आंतों का अल्सर हो, ये इस प्रकार यूज करने से खत्म कर देते हैं। यानी एक गिलास दूध के अंदर एक चम्मच डालकर इसको इस्तेमाल किया जाए, मुलयन है, पेट की कब्ज को भी दूर करता है। और जिसके सर के बाल गंजे हो गए हों यानी बिल्कुल चांद बिल्कुल चिकनी हो गई हो तो वो जैतून का तेल लेने के बाद रोजाना कम से कम 15 मिनट तक तेल अपनी हथेली पर लेकर वो 15 मिनट कम से कम यूं करके मालिश करें, अच्छी तरीके से मालिश करें जिस जगह के बाल गायब हो चुके हैं। ठीक है, चंद दिनों, महीना 15 दिन के अंदर अगर इस तरह कंटिन्यू रेगुलर 10-15 मिनट मालिश करता रहा ही चांद पर तो वहां पर बाल आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जितने भी जो दर्द होते हैं, ठीक है, रियाई दर्द हो या गठिया का दर्द हो या मिसाल के तौर पर कैसे ही ठंड लग जाने की वजह से हाथ पैरों में ज्वाइंट्स में दर्द वगैरह होते हैं, किसी भी प्रकार का दर्द हो तो इस तेल की मालिश करने से कहीं पर भी दर्द हो तो दर्द खत्म हो जाता है। और पेनिस यानी जो लोग ज्यादा हस्त मैथुन वगैरह करते हैं, जिन लोगों ने ज्यादा हस्त मैथुन वगैरह किया हो तो वो अपने पेनिस पर यानी लिंग पर इसकी मालिश करें, इस तेल की मालिश करें, इसके इस्तेमाल से लिंग की नसें, बिलोक नसें खुल जाती हैं। ठीक, और भी बहुत सारे फवायद हैं इसके, तो इसको आप इस्तेमाल कर इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जब तक के लिए।